सत श्री अकाल विद्यार्थियों, मैं जगनोब कौर अज तुहानूं 9वीं ते 10वीं जमात अधीन आउंदा बिने पत्र करवावांगी। इस बिने पत्र दा नाम है वख वख अवस्था विच मिलावट बारे अखबार संपादक नूं पत्र। बच्चों, जिवें कि तुसीं जानदे ही हो कि किसी भी बिने पत्र नूं असीं 3 भागां विच वंड के फिर लिखदे हाँ, जिस दे भाग हन आरंभ भाग, मध्य भाग ते अंतला भाग। सब तो पहला असी आरंभ भाग करांगे। बिने पत्र दे आरंभ भाग विच सब तो पहला असी खब्बे पासे सेवा विखे लिखांगे ते उस तो थल्ले सज्जे पासे अही संबंधित अधिकारी दा अहुदा ते उसका पता लिखांगे। सब तो पहला असी अखबार दे अधिकारी दा अहुदा लिखांगे, जिवें संपादक साहिब। संपादक साहिब लिखण तो बाद असी कौमा लावांगे ते उस तो अगली लाइन दे विच असी उत्थों दा पता लिखांगे जिथे असी बिने पत्र भेजना जिहड़ी अखबार विच, ते जिथे साडा पता खत्म होएगा उत्थे असी डंडी लगावांगे। उस तो अगली लाइन दे विच खब्बे हत्थ असी विशा लिखांगे कि अखबार संपादक नूं हो रही मिलावट बारे पत्र लिखना। विशा लिखण तो बाद असी इस तो अगली लाइन दे विच खब्बे पासे ही अही संबंधित अधिकारी नूं संबोधित शब्द लिखांगे, जिवें श्रीमान जी। श्रीमान जी लिखण तो बाद बच्चो असी कौमा लगावांगे। ए सी बिने पत्र दा आरंभ भाग। हुण असी बिने पत्र दा मध्य भाग करांगे। मध्य भाग दे विच असी ओह सारियां गल्लां लिखांगे जो असी विषय दे नाल संबंधित लिखनियां हुंदियां हन, जिवें कि मैं अपने इस पत्र द्वारा नित वरतों दीआं चीज़ां विच हुंदी मिलावट वल सरकार ते लोकां दा ध्यान दवाउणा चाहुंदा हाँ जां चाहुंदी हाँ। अज कल साडे देश विच कुछ वपारी अते दुकानदार वधेरे मुनाफे लई खाण वालीआं वस्तां विच मिलावट कर रहे हन। देसी घ्यो दी कह के बेची जाती मिठाई अक्सर ही बनौटी घ्यो द्वारा तैयार की जाती है। केसर दे बने आखे जाते लड्डुआ विच कैमिकल रंग ही मिलाया प्रतीत हुंदा है। इस तरह के लालची लोग मनुखी सेहत नाल शरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। कल दी ही गल है कि मेरे माता जी बाजार विचों घर लई राशन खरीद के लियाए। घर जाके वेख्या कि दालां विच बरीक कंकर काफ़ी मात्रा विच रले हुए सन। चाह पत्ती विच लोह चूरन मिलिया होया सी। देसी घ्यो विच बनावटी घ्यो मिलाया प्रतीत हुंदा सी। इस संबंधी उपभोक्ता सुरक्षा विभाग नूं शिकायत करन दा फैसला किया है। दुध, पनीर, खोए अते मठिआई नूं तैयार करने वाली फैक्ट्रियां दे फड़े जाण दीआं खबरां अखबारां अते टीवी चैनलां राहीं जग जाहिर हो रही हैं, परंतु इन्हां दोषियों ते कोई सख्त कार्रवाई ना होण करके मन बहुत दुखी हुंदा है। मेरा सुझाव है कि संबंधित अधिकारियों नूं अजिहे लोकां दे टिकाणियां ते लगातार छापे मार के उन्हां द्वारा तैयार कीतीआं वस्तुआं दे नमूने भरते रहना चाहिदा है तां जो अजिहे लोग मिलावट ना कर सकन। जेकर इस संबंधी कोई दोषी पाया जाता है तां उस उपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिदी है। आस है कि संबंधित अधिकारी ते जनता दे आगू इस प्रकार दे हो रहे घिनौने अपराध लई हर संभव जतन करनगे। धन्नवाद। सहत। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ
जिस विच ये बिना पत्र पूरे रूप दे विच लिखा होएगा वह विखावांगी तां जे तुसी उसनू ध्यान ना वेख के अपना बिना पत्र पूरा कर सको ते उत्थों याद भी कर सको। धन्यवाद।